हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेजर बॉय। तो आज की वीडियो में हमारी पहली अपडेट देसी गबरू से रिलेटेड है। तो रिसेंटली देसी गबरू ने यूट्यूब पे क्रॉस कर लिए थे 100K सब्सक्राइबर्स, जिसके रिएक्ट करते हुए अपनी इंस्टा पे लाइव सेशन भी रखे थे। एंड इस लाइव सेशन में डक्की भाई और मिस्टर जे प्लेस भी इनके साथ शामिल थे, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को थैंक्स कहा और अपने हेटर्स को कुछ रिप्लाई किया। सो अपने लाइव सेशन में एग्जैक्टली क्या कहे, आप उनकी लाइव का एक छोटा सा पार्ट देख लें। और ये 1 लाख का जो सफर था, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर डन हो गया हमारा। और इस सफर में जे ने मुझे स्टार्ट दिलवाया, पुश किया और बहुत सारी मेरी हेल्प आउट की, सब्सक्राइबर को लेके, गेम को लेके, दोस्ती को लेके, हर चीज को, किसी चीज को नहीं देखा। और ऊपर से मुबारकबाद भी आने लग गई व्हाट्सएप के ऊपर। और उसके बाद डक्की ने मुझे मोटिवेट किया और जितनी सपोर्ट कर सकता और ये जारी रखना है, जितनी सपोर्ट कर सकता था किया विदाउट एनी रीजन, विच इज आई रियली अप्रिशिएट इंग्लिश शाकरो भाई की। यार आई लव यू, I love both of you, यार, without anything, यार, they love me a lot. But the same way I love them. यार हमने कुछ नहीं किया इसके लिए, हम ही बातें चोद रहे हैं, ठीक है? ये emotional गा रहा है, इसको पता तुम लोग emotional हो रहे थे जल्दी। बड़ा मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। नहीं यार, ठीक है भाई। जानी, love you, यार। हेटर्स को पैगाम ये है कि हम लोग बैठे हैं रेस्टोरेंट में, 1,92,000 भी क्रॉस कर। हेटर्स को इनडायरेक्टली एक पैगाम, हाँ जरा देना, दे दो जरा। हेटर्स को पैगाम ये है कि हम लोग बैठे हैं रेस्टोरेंट में और हमें लगी है भूख और हेटर्स की माँ की। अच्छा, एक और चीज, हेटर्स को पैगाम ये है कि जितने आपके साल में सब्सक्राइबर ऊपर नहीं गए ना, उतने इस लौंडे ने एक दिन में खींच ली। समझ रहे हो? लव यू गाइस, बाय बाय बाय। तो बढ़ते हैं अपने के लिए अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले राहीम परदेसी के बारे में। तो आपको जैसे कि पता है कि बुल्ला एक्सपेक्टर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बाद काफी सारे लोगों ने इस पे बहुत प्यार दिखाया राहीम परदेसी को, जिस पे रिएक्ट करते हुए राहीम परदेसी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हुए इमोशनली कहे कि ऑनेस्टली कांट बिलीव इट्स एक्चुअली हैपनिंग एंड योर रिस्पॉन्स इज मेकिंग मी इवन मोर इमोशनल रीडिंग दीज कॉमेंट्स, आई लव यू ऑल सो मच, ऑल दैट हार्ड वर्क फाइनली पेइंग ऑफ। So yeah, congratulations to Raheem Pardeshi and best of luck for his Inspector Bulla series। तो बढ़ते हैं अपने के लिए अपडेट की तरफ। तो हमारी के लिए अपडेट राधा समो से रिलेटेड है। तो रिसेंटली राधा समो अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जस्ट टेकिंग अ लिटिल क्रिएटिव ब्रेक फ्रॉम कंटेंट विल ओनली कम 4K bigger। हाउ अबाउट अ वेब सीरीज ऑफ असमो, आई वॉन्ट टू सी असमो इन रियल लाइफ सिचुएशंस, डोंट इमेजिन हिम ऑन अ डेट और व्हाट इफ ही गेट्स इनटू अ गैंग ट्रबल। तो जल्दी आपको राधा समो भी एक वेब सीरीज करते हुए नजर आएंगे। सो लेट्स सी कि इस पे कब काम करना स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स कब तक देते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने के लिए अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले गंजी स्वैग के बारे में। तो एज यू नो गाइस कि गंजी स्वैग का रिसेंटली एक गेम शो शूट हुआ था, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हो सका। तो इस बारे में गंजी स्वैग ने अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाते हुए बताया कि उन्होंने कितना इस पे इन्वेस्ट किया और ये कब तक आएगा और फर्स्ट एपिसोड कब रिलीज होगा। सो एग्जैक्टली इस बारे में क्या कहे, आप उनकी इंस्टा स्टोरी देख लें। आज एक स्मॉल अपडेट देनी थी कि वो जो गेम शो मेरा आना था, आप बोलेंगे यार कहाँ रह गया, PSL के टाइमों में शूट किया हुआ था। असल में जो हमारा ओरिजिनल कैलेंडर था उस हिसाब से फाइनल जो है रमजानों में आ रहा था, और फाइनल जो है ना थोड़ा सा रमजान फ्रेंडली नहीं है, तो हमने डेट्स आगे कर दी ताकि मैक्सिमम एपिसोड्स रमजान में हो जाए और फाइनल जो है ना वो ईद के बाद आए। तो ये सीन था। तो इंशाल्लाह वी आर रिलीजिंग नेक्स्ट फ्राइडे पहली एपिसोड, फिर वहां से कैलेंडर आपको बताऊंगा। बाकी फुटबॉल लवर्स के लिए एक अपडेट कि इंशाल्लाह मैं 16 मई को एक फुटसल का टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, जो कि फिर पूरा इंशाल्लाह यूट्यूब पे आएगा। 16 टीमें होंगी, 31 मैचेस होंगे और प्रॉपर प्रोफेशनल टीम्स जो कि कराची और दूसरे शहरों की। तो बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले इवा बी के बारे में। तो रिसेंट इवा बी भी अपनी इंस्टा पे एक लाइव सेशन रखी थी, जिसपे उनसे काफी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। एक क्वेश्चन से ये पूछा गया कि भाई इंडियन में से किस आर्टिस्ट के साथ वो कोलैब करना चाहती है, और भी काफी सारे सवाल है। सो आप उनकी इंस्टा लाइव सेशन का एक छोटा सा पार्ट देख लें। यस, हाँ, इंडियन रैपर्स में MC स्टैन के साथ और डिवाइन के साथ मुझे कोलैब करना है। इवा एक्स उमर अंजू, maybe in future, I don't know bro. चेन एक्स इवा, यार चेन मुझे डेमो भेजने वाला था, वैसे अभी तक उसका डेमो आया नहीं है, तो आएगा आएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं एहसान आसिफ मुगल के बारे में। तो भाई रिसेंटली एहसान आसिफ मुगल भी अपनी इंस्टा पे Q&A सेशन रखे थे, जिसपे उनसे किसी ने पूछा कि जानी के साथ कब आ रहे हो, जिस पर रिप्लाई करते हैं उन्होंने कहा कि वेरी सून। और इसके अलावा रिसेंटली उमर अंजुम ने भी अपनी इंस्टा पे पोस्ट शेयर की, जिसमें बताया कि आई हैवंट डन येट इन्वेस्टमेंट ड्रॉपिंग टुमारो 6 PM, यानी कि आज शाम 6 बजे आपको उमर अंजुम की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट ट्रैक सुनने को मिल जाएगा, जिसके एक छोटा सा पार्ट भी उमर ने अपनी इंस्टा पे शेयर किया था। सो एग्जैक्टली क्या शेयर किया, आप उनके इंस्टा का एक छोटा पार्ट देख लें।
Cena, God faith, gotta higher power. Never praying as a fuck Tina. Wishing all my homies make it to the top. No beefs, this a fuck Cena. तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले कुछ न्यू सॉन्ग्स या अपडेट्स के बारे में। तो भाई माजी का भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है, ट्रैक का नेम है डाउट। और इसके अलावा गाइस यंग कोबरा का भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है, ट्रैक का नेम है हील मी अप। और इसके अलावा गाइस द ब्रीचर का भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है, ट्रैक का नेम है रिग्रेट। सो अगर आप लोगों ने ये सारे ट्रैक सुनने हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर ये ट्रैक सुन लेना। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हो सके तो भाई बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपने कोई न्यूज या फिर अपने कोई न्यू सॉन्ग्स या अपडेट दिलवानी हो आप मेरे वीडियो में तो भाई आप मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पे जाकर डीएम कर सकते हैं मनीष देने वाले को वीडियो में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी शॉर्ट आउट भी दूंगा एंड यस आपका सॉन्ग भी शेयर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ख्याल रखना अपना। टिल द नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई एम आउट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।